नमस्कार, मैं डॉक्टर क्रिश्चियन, प्लास्टिक सर्जन, अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर से। हमारे सीरीज ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में पिछली बार हमने देखा कि सही प्लास्टिक सर्जन को कैसे सिलेक्ट करना है आपने, और आज हम देखेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी जब आप कराते हो तो उसके रिजल्ट्स कब तक होते हैं, क्या ये परमानेंट वन टाइम फिक्स सॉल्यूशन है नहीं, जनरली रिजल्ट्स कब तक रहते हैं, कैसे होते हैं। दिस डिपेंड्स कि आप कौन सी टाइप की सर्जरी करा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने पेट के अराउंड फैट रिड्यूस कराने के लिए लाइपोसक्शन कराया, लेकिन लाइपोसक्शन करा के आप अपने मज़े वाली लाइफस्टाइल कंटिन्यू करते रहे, ना एक्सरसाइज कर रहे हो, खाना पीना वैसे ही है, तो फैट दोबारा बनेगा ही बनेगा। सो प्लास्टिक सर्जरी एक क्विक फिक्स वन टाइम सॉल्यूशन नहीं होता है। आपने फेस के लिए एंटी एजिंग कोई सर्जरी कराई तो एज यू एजिंग फीचर्स वापस आते हैं धीरे धीरे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। सो क्या सर्जरी कराते हो उस पर डिपेंड करता है कि उसके रिजल्ट्स कब तक रहते हैं, लेकिन जनरली इट इज़ नॉट अ परमानेंट क्विक फिक्स सोल्यूशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, सर्जरी के बाद भी हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप काम 5 साल या 6 साल के एक्सरसाइज के बाद आपको मिल सकता है, वो आप अगर चाहते हो कि बस एक सर्जरी करा के हो जाए, तो दैट मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल। सो मेंटेनिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल इज इम्पॉर्टेंट इवन आफ्टर प्लास्टिक सर्जरी। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी हो। हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लेके आएंगे आपके लिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।